तो हाय दोस्तों, मैं हूँ चेतन पटेल एंड मैं लेके आया हूँ यूट्यूब चैनल लर्न बाय चेतन पर लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट नंबर 30। इससे पहले हम लॉजिकल प्रोग्राम सीरीज के 29 पार्ट कवर कर चुके हैं। वहां पर बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस हैं, जाके चेकआउट कीजिए एंड बताइए मुझे कमेंट करके कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको ये सारे लॉजिकल प्रोग्राम के क्वेश्चन मुंह जुबानी आना चाहिए। तो जाइए सोलो कीजिए एक एक करके, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पहले हम व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं, देन हम क्या करते हैं, हम इन क्वेश्चंस को हमारे पीसी के अंदर जाकर, हमारे लिपि के अंदर जाकर हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा क्वेश्चन है, क्या राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन थ्री नंबर्स विदाउट यूजिंग लॉजिकल एंड ऑपरेटर। देखो मुझे तीन नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है बट लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज नहीं करना है। इससे पहले हमने 29 पार्ट में क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन कि थ्री नंबर से हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड किया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए प्लीज। वहां पर हमने किसका यूज किया था, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का, और हमने क्या किया था, थ्री नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड किया था। मीन्स अगर इंप्रूव मुझे क्या मिला, 5 मिला, 17 मिला, 15 मिला, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 17। लेकिन वहां पर हमने क्या किया था, वहां पर हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज किया था। अब मुझे किसने बोल दिया आपको लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज नहीं करना है और थ्री नंबर में क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो तब क्या करेंगे, ऐसा अधिकतर हमें इंटरव्यू में बोला जाता है कि आपको लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज नहीं करना और आपको थ्री नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो उस टाइम पे आप क्या यूज करोगे। तो देखो दोस्तों, उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स। क्या यूज करेंगे हम, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है, मान लो आपने कोई से इफ कंडीशन लिखी है, यहां पर कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू है तो आप कहां होंगे, इफ के अंदर। अगर इसके अंदर आपने अगेन इफ यूज किया है तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ। यहां पर आपने, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहां पे क्या होगा भाई, ये कंडीशन ट्रू है तो ये कब चलेगी, जब बाहर वाली कंडीशन भी ट्रू होगी और अंदर वाली कंडीशन भी ट्रू होगी। और नेस्टेड इफ से सिंपली क्या होता है, इफ के अंदर इफ लिखना या इफ के अंदर इफ एल्स लिखना, ऐसे क्या हो जाता है, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। सो यहां पर हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स का, और क्या करेंगे, थ्री नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंट नम वन, नम टू एंड नम थ्री। मैंने तीन वेरिएबल्स लिए, नम वन की वैल्यू किससे लूंगा मैं, नम वन की वैल्यू लूंगा मैं बाई यूजर, यूजर से कैसे लेना है हम अभी इंप्लीमेंट करेंगे तब देखेंगे। नम टू की वैल्यू भी किससे लेना है, बाई यूजर, और नम थ्री की वैल्यू भी किससे लेना है, बाई यूजर। सो नम वन, नम टू, नम थ्री की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, लेकिन मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, सबसे बड़ी वैल्यू। सो यहाँ पर लॉजिकल एंड का यूज नहीं करना है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं, इफ नम वन बड़ा है नम टू से, और हम क्या लिखते हैं, लॉजिकल एंड नम वन बढ़ाएगा नम थ्री से। अब इसका यूज मुझे नहीं करना है क्योंकि मुझे शार्प साफ यहां पर लिखा हुआ विदाउट यूजिंग लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज नहीं करना है। तो हम किसका यूज करेंगे, नेस्टेड इफ का। तो मैं बोलूंगा इफ नम वन बढ़ाएगा नम टू से, अगर ट्रू हुआ तो मैं इफ के अंदर आऊंगा। अब क्या इफ के अंदर आकर मैं डायरेक्ट नम वन को प्रिंट कर सकता हूं क्या, कि नम वन सबसे बड़ा है। मान लो यहाँ पे क्या हो गया, 150 यहाँ पे, 51 यहाँ पे, 200। तो क्या मैं अंदर आके 150 बढ़ा है क्या 51 से, हाँ 150 बढ़ा है 51 से, तो अंदर आके डायरेक्ट 150 को प्रिंट कर सकता हूँ क्या, नहीं, मुझे उसको नम थ्री से भी चेक करना पड़ेगा। तो अंदर क्या करूंगा मैं, इफ नेस्टेड इफ का यूज करूंगा और क्या बोलूंगा, अगर नम वन बड़ा है नम थ्री से भी। देखो ये ट्रू हुआ मतलब नम वन नम टू से बड़ा है, अगर ये भी ट्रू हो गया तो इस इफ के अंदर नम वन नम थ्री से बड़ा हो गया, तो मैं प्रिंट किसको कर सकता हूं, मैं प्रिंट कर सकता हूं सबसे बड़ा कौन है, नम वन। और जैसे नम वन प्रिंट होगा हम कहां चले जाएंगे, हमारे प्रोग्राम के सबसे नीचे। पर मान लो अभी वाली कंडीशन देखो कि 150 बड़ा है क्या 51 से, हाँ बड़ा है, अंदर आ गया। फिर मैंने चेक किया क्या 150 यानी 150 बड़ा है क्या 200 से, नहीं, तो फिर इस टाइम पे क्या होगा, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो इसका हम क्या बनाएंगे, अंदर else बनाएंगे, इस if का else बनाएंगे
और ये इफ और इल्स, इस इफ के अंदर अगर 150 बड़ा हुआ 51 से तो अंदर आएंगे, क्या 150 बढ़ाएगा 200 से? नहीं, अगर बड़ा होता ये क्या होता 1500 होता, तो 1500 बढ़ाएगा 200 से, हाँ तो हम 1500 प्रिंट कर देते और प्रोग्राम स्टॉप हो जाता। बट ये कंडीशन फॉल्स निकल गई इस टाइम पे कि 150 200 से बड़ा नहीं है, तो फिर कौन चलेगा? इल्स चलेगा। और इल्स क्या प्रिंट करेगा? इल्स प्रिंट करेगा किसको? नम थ्री, क्योंकि देखो नम वन नम टू से बड़ा है क्या? अंदर आए। नम वन नम थ्री से बड़ा है क्या? अगर हुआ तो नम वन, और नहीं हुआ तो देखो नम वन तो नम टू से बड़ा था पर नम वन नम थ्री से बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन है इल्स में? नम थ्री। सो इस प्रकार क्या आ जाएगा हमारा आंसर? प्रिंट हो जाएगा। लेकिन रुकिए, अभी अगर यहां पे क्या हुआ 511 हुआ, तो क्या 150 150 बड़ा है क्या 511 से या 511 से? नहीं, तो ये इफ नहीं चलेगा। इसका क्या चलेगा? इसका चलेगा एल्स। ये इस कोट के नीचे आएगा कोट, तो इस इफ का क्या चलेगा? इस इफ का चलेगा यहां पे क्या? एल्स। और इल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखी जाती। इल्स अगर चल रहा है तो मुझे क्या पता है? देखो नम वन बढ़ाएगा नम टू से, अगर नम वन नम टू से बड़ा होता तो इफ चल जाता, अगर नम वन नम टू से बड़ा नहीं है तो कौन चलेगा? इल्स। तो तब मुझे पता रहेगा कि नम वन अगर नम टू से बड़ा नहीं है तो नम टू नम वन से बड़ा है। इल्स में आके मुझे इतना पता है कि नम टू बड़ा है किससे? नम वन से। पर क्या मैं डायरेक्ट यहां पर नम टू को प्रिंट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई नम थ्री भी तो बड़ा हो सकता है, नम थ्री भी तो बड़ा हो सकता है। तो मैं पहले इसमें आके क्या चेक करूंगा? पहले चेक करूंगा इफ, क्या चेक करूंगा? इफ क्या चेक करूंगा? सबसे पहले अंदर आए। देखो ये कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब क्या कि नम वन बड़ा नहीं है, बड़ा कौन है? नम टू। पर किससे? ओनली नम वन से। क्या इल्स चलेगा? इस इफ के फॉल्स होने पर कौन चलेगा? इस इफ का इल्स। तो क्या डायरेक्ट अंदर आके मैं नम टू को बड़ा प्रिंट कर सकता हूं क्या? नहीं, मैं यहां पर नम टू को किससे चेक करूंगा? नम थ्री से। हाँ अगर नम टू नम थ्री से बड़ा हुआ तो मैं प्रिंट कर सकता हूं किसको? नम टू। देखो यहां पर नम वन यानी क्या 150 बढ़ाया क्या 511 से, 511 से? नहीं, फोल्ड से। यहां पे आया क्या नम टू 511 बढ़ाया क्या 200 से? हाँ, तो क्या प्रिंट होगा? नम टू, और प्रोग्राम स्टॉप। पर मान लो ये 2000 होता, ये क्या होता? 2000 होता, फिर क्या होता? नम वन बढ़ाया क्या नम टू से? क्या 150 511 से बढ़ा, 511 से बढ़ा है क्या? हाँ, नहीं बढ़ा है, फोल्ड से। तो फिर कौन चलेगा? एल्स। अब इल्स में नम टू को चेक करूंगा इस समय नम थ्री से, क्या 511 बड़ा है क्या 2000 से? नहीं, नहीं है, तो इस इफ का क्या चलेगा? इस इफ का चलेगा क्या? एल्स। और ये इफ, इस इफ का एल्स है, ये कंडीशन फॉल्स होगी। ये कब फॉल्स होगी? जब नम टू बड़ा नहीं होगा, कौन बड़ा होगा? नम थ्री बड़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली इल्स चलेगा। किसको प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा किसको? नम थ्री को। तो इस टाइम पे कौन प्रिंट होगा? 2000। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, ये यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। इसके बाद हम कहां मुकर कर गए? यहां पे, और यहां से ये यहां पे क्या हो गया? हमारी एंडिंग हो गई। तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? थ्री नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर देगा। आप कोई सा भी नंबर बढ़ा दे दो, नम वन की वैल्यू, नम टू की वैल्यू, नम थ्री की वैल्यू, ये वाला लॉजिक आपको हमेशा सबसे बड़ा नंबर यानी ग्रेटेस्ट नंबर क्या करवाएगा? आउटपुट में प्रिंट करवाएगा। तो दोस्तों इसको अब क्या करते हैं, हम इंप्लीमेंट करते हैं किसमें? सी में, पाइथन में, जावा में, हमारे सिस्टम के अंदर चलकर। और यहां पे ध्यान रखना है विदाउट यूजिंग लॉजिकल एंड ऑपरेटर। हमने यहां पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज नहीं किया है, और जब लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज नहीं करते तब हम किसका यूज करते हैं? नेस्टेड इफ एल्स का। सो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ क्या करना? शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम के अंदर, और यहाँ पर मैंने ऑनलाइन जीडीपी खोल के रखा है। हम सबसे पहले प्रोग्रामिंग करेंगे किसमें? सी लैंग्वेज में।
सो मैंने यहाँ पर सी लैंग्वेज सेलेक्ट करके, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मैं किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग कर सकता हूँ। और ये बेसिक स्ट्रक्चर सी का लिखा हुआ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें तीन वेरिएबल लेना है। सो इंट नम वन, नम टू, नम थ्री। एंड अब हम क्या करेंगे भाई, यूजर बोलेंगे मैसेज पास करेंगे, क्या मैसेज पास करेंगे, एंटर थ्री नंबर्स। तो जैसे यूजर थ्री नंबर्स एंटर करेगा तो हमें क्या करना है, हमें स्कैन एप का यूज करना है और उन वैल्यूज को कहाँ स्टोर करना है, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, और पहली वैल्यू को स्टोर करना है हमें कहाँ पर, एड्रेस ऑफ नम वन पर, सेकंड को करना है एड्रेस ऑफ नम टू पर, थर्ड को करना है एड्रेस ऑफ नम थ्री पर। बहुत बढ़िया, सो हम वैल्यू स्टोर कर चुके हैं। अब हमें सिंपली क्या, विदाउट यूजिंग लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज नहीं करना है। तो हमने जैसे एक्सप्लेन किया कि नम वन बढ़ा है क्या नम टू से, अगर ये ट्रू आया तो हम अंदर जाके फिर से इफ बनाएंगे और क्या बोलेंगे, नम वन बढ़ा है क्या नम थ्री से। सो हम किसका यूज करें, नेस्टेड इफ एल्स का। हाँ हुआ तो प्रिंट एफ में क्या कर देंगे, प्रिंट एफ में कर देंगे हम ग्रेटेस्ट नम इज इक्वल टू परसेंटाइल डी। और बहुत बढ़िया, ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये नहीं चला तो फिर कौन बड़ा होगा, बड़ा होगा हमारा क्या, यहाँ पर हमें बड़ा प्रिंट करना है किसको, नम वन को, और यहाँ पर प्रिंट करना है किसको, नम थ्री। ओके, अब मान लो कि इफ ही नहीं चला तो कौन चलेगा, else चलेगा। और else के अंदर क्या करेंगे, else के अंदर अगेन एक इफ else लगेगा, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया आपको व्हाइट बोर्ड पे। और यहाँ पर हम किसको चेक करेंगे, नम टू बड़ा है क्या नम थ्री से, अगर होगा तो नम टू वरना नम थ्री। सो हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है, हम कर रहे हैं इसको रन। एंड ये मैंने किया रन, मैं थ्री वैल्यूज देता हूँ, 12, 34, 56, ये आउटपुट में देगा क्या, 56। ठीक है, एक बार हम फर्स्ट टाइम बड़ी वैल्यू लेते हैं एंड 9, सो ये देगा क्या 67। एक बार हम मिडिल में लेते हैं, ये देगा 34। बेस्ट, तो ये हमने सीम बनाया है और आपको इसकी लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब हम चलते हैं कहाँ पे, पाइथन में। और पाइथन में क्या करते हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो पाइथन में इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ से क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया क्या, पाइथन। और हम जाएंगे हमारे क्या, इसको मैंने रिसेट किया, सो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा क्या, पाइथन। और पाइथन में सबसे पहले मैं हैज लिख के यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ। देन स्टार्ट करते हैं हम नम वन की वैल्यू, नम टू की वैल्यू और नम थ्री की वैल्यू। सो मुझे नम वन, नम टू, नम थ्री की वैल्यूज लेना है। तो सबसे पहले क्या लिखा, एंट इनपुट और एंटर नम वन, और इसी तरह मुझे तीनों वैल्यू लेना है, सेम सिंटेक्स यूज करना है। सो यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, सिंपली यहाँ पर मैसेज में सिर्फ क्या चेंज करूंगा मैं कि नम टू की एंटर करना है भाई साहब आपको, नम थ्री की करना है। देन वही लॉजिक हमारा, इफ क्या नम वन बड़ा हो किससे, नम टू से। सो अंदर आएंगे लेकिन हम प्रिंट नहीं कर सकते किसको, नम वन को, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा नम वन को किससे, नम थ्री से भी। और देखो ये ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। तो अगर ये चल गया तो मैं अंदर क्या प्रिंट कर सकता हूँ, अंदर प्रिंट कर सकता हूँ मैं ग्रेटेस्ट नम इज इक्वल टू और यहाँ पर नम वन को, और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। अगर इफ नहीं चला तो फिर कौन चलेगा, एल से चलेगा, और एल से ऑटोमेटिकली किसको प्रिंट कर देगा, नम थ्री को। और इसी प्रकार हमारा क्या करेगा, अगर हमारा सबसे पहले वाला इफ नहीं चला तो हम इसका क्या बनाएंगे, एल से बनाएंगे, और एल से मुझे क्या लिखना है, फिर से इफ एल से लिखना है, और यहाँ पर किसको चेक करना है, यहाँ पर चेक करना है किसको, नम टू को नम थ्री से, और अगर होगा तो नम टू वरना नम थ्री। तो दोस्तों हमारा बन चुका है पाइथन, इसको रन करते हैं हम। सो मैंने रन किया, इसने बोला पहला नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, क्या दिया, 67, बिकॉज वो क्या था, ग्रेटेस्ट नंबर था। एंड मैंने दे दिया 67, 8, एंड दे दिया 9, तो क्या देगा 67, 8, 9। एक बार फर्स्ट बड़ा नंबर ले लेते हैं हम, अगले में 345 ले लिया, 56 ले लिया, 78 लिया, क्या देगा ये 345। और ये हमारा परफेक्ट रन हो रहा है किसमें, पाइथन में भी। सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और क्वेश्चंस बनाते रहिए और कमेंट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लॉजिक बिल्डिंग से रिलेटेड लाता रहूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।